स्त्री शक्ति का प्रतीक है, स्त्री शक्ति का संधान है, स्त्री देवी है, स्त्री पूज्य है, स्त्री तारणहार है। लेकिन इसके बावजूद समाज में पुरुषों की प्रधानता ने महिला को अशक्त समाज का प्रतिनिधि बनाकर अंतिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। धन देवी, सौभाग्य देवी, ज्ञान देवी, शक्ति देवी के रूप में पौराणिक काल से स्थापित रही स्त्री अब निशक्त, असहाय एवं आश्रित की उपमा में बंध कर रह गई है। लेकिन उपमाओं के बाद भी जब कभी स्त्री को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, तभी उसने अपने आप को स्थापित कर पुरुष की प्रधानता को संदिग्ध बना दिया। स्त्री ने स्थापित कर दिया है, जब तक वह समाज में स्वयं की शक्ति का संधान नहीं करती तभी तक अशक्त है। जिस दिन उसकी स्वशक्ति जागृत होगी, वह परिवर्तनों की नई इबारत लिखने में सक्षम है। इसी शक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से देश भर में स्वशक्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ये परियोजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। देश भर के 9 राज्यों में मध्य प्रदेश के 9 जिलों को शुमार कर पहली बार स्त्री की स्वशक्ति को जागृत कर उसे समाज में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। विश्व बैंक एवं आईफेड की सहायता से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक परियोजना सहायक इकाई इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। मध्य प्रदेश में ये परियोजना मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधक इकाई द्वारा संचालित की जा रही है। परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 6 जिलों को शामिल किया गया था। सीहोर, देवास, होशंगाबाद, छतरपुर, बैतूल एवं टीकमगढ़ जिलों ने परियोजना के तहत नए आयाम रचे। इसी का परिणाम रहा कि परियोजना के दायरे में 3 नए जिलों इंदौर, उज्जैन एवं खंडवा को लाया गया। परियोजना के अब तक के सफर में बेहतर परिणाम सामने आए हैं। समाज में महिलाओं की सशक्त हिस्सेदारी ही परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। गांधी जी ने कहा था कि देश की आबादी महिलाओं की 50% है। अगर हमने देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की तो हम विकास के लक्ष्य को नहीं पा सकते। इसी लक्ष्य को लेकर स्वशक्ति योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों में किया गया है और मैं स्वयं भी उनके बीच में गई हूँ, जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं। महिलाओं में इस कार्यक्रम से न केवल जागृति आई है बल्कि उनमें आत्मविश्वास आया है कि हम भी अपने प्रदेश के विकास में, अपने स्वयं समाज को सशक्त बनाने में, बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। स्वशक्ति परियोजना महिलाओं के संपूर्ण विकास और उनके निरंतर विकास के लिए बनाई गई देश की पहली ऐसी योजना है जो कि पूरे तौर पर महिलाओं पर ही केंद्रित है और इसमें महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास पर बल दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत उनके निरंतर विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस परियोजना में हम लोगों ने एक महिलाओं के लिए एक ऐसे व्यापक चरित्र की कल्पना की है जो आत्मविश्वास से भरी हुई हो, आत्मनिर्भर हो, स्वतंत्र हो और साथ ही साथ वो अपने स्वयं के और समुदाय के विकास की दिशा में अपने जैसी बहुत सारी महिलाओं का नेतृत्व करने में सक्षम हो। स्वशक्ति की तय अवधारणा को हासिल करने तथा महिलाओं को संपूर्ण रूप से सशक्त बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके अपनाए जाते हैं। सशक्तिकरण की प्रथम सीढ़ी के रूप में परियोजना के अंतर्गत गरीब एवं ग्रामीण महिलाओं का समूह बनाने के लिए आह्वान किया जाता है। ये प्रक्रिया गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से तय होती है। गैर सरकारी संगठन के फील्ड वर्कर महिलाओं को समूह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। समूह बनने के उपरांत मासिक बैठक की निश्चितता तय की जाती है।
ये बैठक किसी भी सार्वजनिक स्थल या फिर चबूतरे पर होती है। बैठक में महिलाएं हर मुद्दे पर चर्चा करने को स्वतंत्र होती हैं। यहीं से सामुदायिक भागीदारी की सोच विकसित होती है। धीरे धीरे महिलाएं आपसी बचत के लिए अग्रसर होती हैं। बचत को रखने तथा हिसाब लिखने की सामग्री परियोजना उपलब्ध कराती है। बचत का संग्रहण एक कैश बॉक्स में होता है। इसी मासिक बचत से महिलाएं ऋण लेकर अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करती हैं। ये ऋण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसी भी कार्य के लिए लिया जा सकता है। ऋण पर ब्याज दर भी स्वयं समूह तय करता है। यहीं से शुरू होता है आर्थिक स्वावलंबन का सिलसिला, जो जरिया बनता है सशक्तिकरण का। समूह स्तर की बचत को सुरक्षित करने तथा ऋण के दायरे को विस्तृत करने के लिए समूहों को बैंक से संबद्ध कराया जाता है। नाबार्ड के दिशा निर्देशों के तहत समूह के खाते महिलाएं बैंक में खोल सकती हैं तथा बचत पर ऋण के लिए CCL लिमिट भी हासिल कर सकती हैं। बैंक के दरवाजे तक पहुंचना महिलाओं के आत्मविश्वास की दूसरी सीढ़ी होता है। घर के दरवाजे पर घूंघट में खड़ी रहने वाली महिलाओं का बैंक पहुंचना ही आत्मविश्वास जागृत होने का प्रारंभिक लक्षण है। किसी काम में कदम बढ़ाने से डरने वाली महिलाओं में अब आय बदलाव और आत्मविश्वास को बैंक के काउंटर पर खड़ी महिलाओं के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। सिर्फ पैसों की बचत तक ही समूह को सीमित नहीं किया गया है। परियोजना अंतर्गत कई समूहों ने अपना अनाज बैंक बनाया है। यहां पर बचत के रूप में अनाज रखा जाता है तथा ऋण के रूप में भी अनाज दिया जाता है। इसके अलावा ऋण के साथ ब्याज भी अनाज के रूप में होता है। महिलाएं पैदावार के समय अनाज की बचत करती हैं तथा बेमौसम में उधार लेती हैं। अनाज बैंक का हिसाब किताब समूह रजिस्टर में दर्ज रखता है तथा उधार दिए अनाज की वसूली ब्याज सहित करता है। स्वशक्ति परियोजना का में हमने समूह बनाया है, इसलिए हम 11 महिला हैं। 11 महिला हम मतलब 4-4 किलो गेहूं ढेले करते हैं, और जिसको भी जरूरत पड़ती है, कुछ तंगाई पड़ती है, किसी बीज मांगते, बोने के लिए मांगते, उसको हम देते हैं। उसके बाद में हम बिजाई लगा के बीज लेते हैं बाप से। परियोजना के तहत महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु एक्सपोजर विजिट का सहारा लिया जाता है। इसके साथ ही नई तकनीक एवं जानकारी भी भ्रमण के माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाती है। ये नई जानकारियां ही महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलती हैं। कई उपयोगी जानकारियां महिलाओं की कार्यक्षमता एवं कार्य दक्षता को बढ़ाती हैं। सतत प्रशिक्षण का ही परिणाम है कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, साथ ही उनकी संसाधनों तक पहुंच बढ़ रही है। महिलाओं में सामुदायिक भागीदारी के प्रति जागरूकता लाने हेतु देश में पहली बार किसी परियोजना ने ऐसे प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि कई सामुदायिक संपत्तियां आकार ले पाई हैं। परियोजना अंतर्गत सामुदायिक संपत्तियां निर्माण के लिए सीमेंट बैग उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद समूह स्वयं श्रमदान करके एवं अन्य संस्थाओं से अतिरिक्त सामग्री जुटा पाता है। इस प्रयास के चलते स्वशक्ति समूह ने कई सामुदायिक निर्माण किए हैं। कई स्थानों पर पेशाब घर तथा स्नानागार का निर्माण किया गया है, जो महिलाओं की समाज के प्रति जवाबदेही को प्रदर्शित करता है। देवास के टोक कला की महिलाओं ने 325 फुट लंबी सड़क का निर्माण कर सामुदायिक भागीदारी का एक सशक्त प्रमाण प्रस्तुत किया है। ये सड़क परियोजना की सहायता एवं महिलाओं के प्रयासों का खुला उदाहरण है। इसके अलावा भी कुओं की सफाई, उनका जीर्णोद्धार
एवं नए कुओं की खुदाई स्वशक्ति जिलों की उपलब्धियों में शामिल है। पानी की बहुत दिक्कत थी, हमारा तो गांव में पानी लेने जाता दो दो तीन तीन घंटा लग खड़े रहते गांव में। तो फिर हमारा सासू ससुराल ने हमारा बताया स्वशक्ति परियोजना से जुड़े हमने समूह बनाया, तो युगो तुमने समूह बनाया तो तुम अपना पुराना कुआ पड़े उसको ही सफा कर लो। डेढ़ महीना हमारा सफाई करना में लगा कुआ का, और फिर कुआ का काम शुरू किया हमने बंधाने का, 15 दिन लगे उस कुआ में बंधाने का। स्वशक्ति समूह के दायरे सिर्फ कुओं तक ही नहीं सिमटे हैं। बिसलखेड़ी ग्राम की महिलाओं ने एक बड़ा तालाब साफ कर अपनी ताकत से सबको परिचित करा दिया है। समूह के आत्मविश्वास की गहराई के आगे तालाब बौना साबित हो गया है। चाहिए था हमने सब 10 जने ने संगठन बनाया, फिर हम सीएस साहब के पास में गए कि तुम जाओ कलेक्टर साहब के पास में, आप पट्टे के आदेश लाओ। हम 10 जने मिलके हम देवास गए, कलेक्टर साहब के पास में गए, कलेक्टर हमको तुरंत ऑर्डर दिया पट्टा का। ये सोच शक्ति से जुड़ने से हमको इतने फायदे हुए कि हम अफसर से बात कर सकती है, हम हर किसी से जहाँ जाओ वहाँ मिल सकती है, हमको कोई प्रतिबंध हमारे पे कोई समूह वाली पे नहीं लगा सकते। महिला जागरूकता के उदाहरण स्वशक्ति के सभी जिलों में देखे जा सकते हैं। व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठकर अब महिलाएं गांव की सफाई एवं हैंडपंप की गंदगी हटाने के प्रति भी समर्पित होती जा रही हैं। गांव की सार्वजनिक सफाई के दृश्य स्वशक्ति ग्रामों में आम दृश्य हो गए हैं। इसके अलावा हैंडपंप के आसपास के पानी की निकासी की व्यवस्था भी महिलाओं ने अपने हाथ में ले रखी है। महिलाएं सिर्फ सामुदायिक भागीदारी के कार्यों तक ही सीमित नहीं है, वे अब प्रशासन को भी अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बना रही हैं। ग्राम की समस्या के लिए पंचायत के दरवाजे खटखटाना और जरूरी जानकारी को प्राप्त करना महिला समूहों के दैनिक कार्यों में शुमार है। हम स्वशक्ति परियोजना की ओर से महिलाओं ने बैठक करी, उसमें ये प्रस्ताव रखा कि जो बस स्टैंड के पास शराब का ठेका है उसको महिलाओं की इच्छा है कि बंद करा के गाँव से थोड़ा दूर करा दे। पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सशक्तिकरण का सूचक माना जा सकता है। अधिकारियों को समूह की गतिविधियों से परिचित कराना और अपने कार्यों के लिए मदद की गुहार करना सभी स्वशक्ति ग्रामों में आम बात है। महिलाओं के प्रयासों को प्रशासन एवं स्थानीय संस्थाओं का भी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। समाज में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए सभी ग्रामों में समूह के लिए साक्षरता केंद्रों की स्थापना की गई है। अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर समूह की महिलाएं यहां शिक्षा हासिल करती हैं। परिपक्व उम्र में शिक्षा पाना थोड़ा चौंकाने वाला तो लगता है, लेकिन हासिल करने के जज्बे और इससे मिलने वाले फायदे के आगे ये सब कुछ तुच्छ है। एक तरफ महिलाएं स्वयं अक्षर ज्ञान हासिल कर रही हैं, वहीं उनका अगला कदम बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना भी है। स्वयं की कमजोरी से सबक लेकर समूह की महिलाएं बच्चों को स्कूल भेजने में नहीं चूकती। स्वशक्ति समूह की महिलाएं अपनी सोच को स्वयं तक सीमित नहीं रखती हैं। उनका उद्देश्य है सामाजिक बुराइयों के प्रति सभी सजग हों। समय समय पर रैलियों का आयोजन इसी सजगता का परिणाम है। शराबबंदी, शिक्षा एवं अन्य मुद्दे जहां रैली का विषय होते हैं, वहीं बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज रैलियों में सुनाई देती है। इसके अलावा स्वशक्ति ग्रामों में वृक्षारोपण अभियान के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर जैसे आयोजन भी अब समूह की गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। परियोजना जहां महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सजग है, वहीं महिलाएं
पर्यावरण के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गई हैं। परियोजना में सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वावलंबन को एक जरिए के रूप में रखा गया है। माना गया है कि आर्थिक मजबूती बहुत हद तक समाज को प्रभावित करती है। इसी के तहत कई महिलाओं ने समूह से ऋण लेकर तथा बैंक की मदद से अपने रोजगार को आकार दिया है। इस तरह की गतिविधियां व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में जारी हैं। कई महिलाओं ने बकरी या फिर भैंस पालकर रोजगार का जरिया तलाश किया। वहीं कई महिलाएं सिलाई का काम करके, मनिहारी की दुकान चलाकर या फिर किराने की दुकान खोलकर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में प्रयासरत हैं। आर्थिक स्वावलंबन में भी सामूहिक पहल देखने को मिलती है। इसी के तहत कई ग्रामों में स्वशक्ति समूहों ने हाट बाजार तक का आयोजन किया है। अपने उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का ये प्रयास निश्चित ही परिपक्व सोच का प्रमाण है। स्वशक्ति से हमें ये फायदा हुआ कि हम सभी जगह ट्रेनिंग लेने गए और हमें जो अधिकार नहीं था वो अधिकार मिले। कि स्वशक्ति समूह से हमारा ये फायदा हुआ कि हम पैसा इकट्ठा करते हैं और हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उनको हम निकला लेते हैं और किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। पशुपालन खरीदना से हमें यही फायदा हुआ कि हमारे मजबूरी को दूर हटाए और हमारे रोजगार अच्छा चल रहा है। हमें स्वशक्ति से बहुत सारे रोजगार मिले। मतलब हमने बकरी पालन के धंधे पर एक महिला को कर्ज दिए 1200 रुपये, तो उसने बकरी खरीद ली और वापस बकरी में जो लाभ हुआ उससे बेचकर उसने पैसे दे दिए वापस। पंचायत में पहले हमारी कोशिश ही नहीं थी आने की, आज तक नहीं आए थे हम। मैं ये बनाया समूह जब से हम पंचायत में भी आके बैठने लगे, ये सब हुआ। ये सरस्वती समूह बनाया, इसके बाद हमने 1100 लोन लिया। अब 1100 रुपये लोन लिया और इसके बाद में हमने मशीन खरीदी और हमारी मशीन को केवल 1.5 महीना हुआ है। स्वशक्ति परियोजना ने इसी सोच को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए सूचना केंद्रों की स्थापना की है। इन सूचना केंद्रों में महिलाओं के लिए उपयोगी जानकारी को सहेजा गया है। कुल मिलाकर परियोजना के तहत समूह की महिलाओं के लिए एक आदर्श चरित्र भारती की परिकल्पना की गई है। भारती वह महिला है जो न केवल आत्मविश्वास से भरी है बल्कि आत्मनिर्भर और स्वतंत्र भी है। वो स्वयं और समुदाय के विकास की दिशा में अपना एवं अपने जैसी कई महिलाओं का नेतृत्व करने में सक्षम है। परियोजना का अंतिम लक्ष्य हर सशक्ति महिला में भारती का स्वरूप देखना है। स्वशक्ति का संदेश पढ़ो, जागो, जुड़ो और आगे बढ़ो। स्वशक्ति का संदेश पढ़ो, संदेश पढ़ो, जागो जुड़ो और आगे बढ़ो। समूह रहे इसका आधार, जिससे हो सबका उद्धार। अपनी व्यवसाय को दो आकार, सपने होंगे सब साकार। स्वशक्ति परियोजना का संदेश, सक्षम बने महिला, आगे बढ़े प्रदेश।